हे हेलो यू ऑल सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो गाइस, बहुत टाइम से आप पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट का टाइमिंग क्या है, कितने बजे रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अगर आप पास्ट ट्रेंड देखोगे तो अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं मॉर्निंग में आ रहे हैं, 12 के पहले आ रहे हैं। आप इंटर का देख लो, आप फाइनल का देख लो, सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं वो मॉर्निंग में 12 बजे के पहले पहले आ जा रहे हैं। सो मेरा मानना ये है, एक्सपेक्टेड टाइम जो इस बार भी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है 12 के पहले तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, 12 PM के पहले कभी भी। और 12 PM के पहले यानी कि मॉर्निंग में भी आ सकता है, 9-10 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास भी। अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो 12 बजे तक तो आ जाना चाहिए। इन केस अगर कोई टेक्निकल इशू होता है, कभी साइट आपकी खुलती नहीं क्योंकि एक साथ सारा क्राउड आ जाता है देखने के लिए रिजल्ट को, तो हद से हद एक्सपेक्टेड टाइम 2 बजे तक का हो सकता है। 2 बजे तक हद से हद वर्स्ट सिनारियो में आपका रिजल्ट जाएगा। क्यों, ये मैं सारे पास्ट ट्रेंड से समझ के बता रहा हूँ। पास्ट ट्रेंड यानी कि इंटर का आप देख लो, फाइनल का देख लो, उस हिसाब से मे बी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के लिए कुछ और सोचोगे तो बात अलग है। बट हद से हद पहला तो मेरे को लग रहा है 12 बजे तक आ जाएगा और 12 के पहले ही आ जाएगा, नहीं तो हद से हद 2 बजे, डिपेंडिंग जो भी एनालिसिस में जो दिख रहा है पास्ट ट्रेंड का उसके हिसाब से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके सबके रिजल्ट बहुत 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 अच्छे आए, एंड आई विल सी यू ऑल इन इंटर लाइव फेस टू फेस। GDPD जो आप बोलोगे सारे मोड में अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ फाउंडेशन सब आप क्लियर करो और बढ़ चढ़ के वापस से हम इंटर में आपका साथ दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।